श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाचि गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुम गुणनिधिम सद्भक्त कल्पद्रुमम मंदानाम शरणम शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशयेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने एक स्थान पर कहा है कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों में भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ ऐसा साधन है। पिछले अनेक अवसरों पर हमने इन सत्संगों के माध्यम से भक्ति के बारे में काफी विचार विमर्श यहाँ किया है। नारद महर्षि ने सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा इन शब्दों में भक्ति की व्याख्या की है। भक्ति यानी क्या? तो प्रेम, भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम, अथवा आदर पूर्वक अपने से श्रेष्ठ की सेवा करना। भज सेवायाम, भज धातु से भक्ति शब्द बना है, उसका अर्थ क्या है? सेवा करना भी उसका अर्थ है। तो हम सब लोग साधारणतया ईश्वर की भक्ति करते हैं। करते हैं कि नहीं आप लोग भक्ति? हाँ, भक्ति करता कि नहीं? क्यों करते हैं ईश्वर की भक्ति? हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो ईश्वर जो है वो सृष्टि स्थिति लय कारण है। क्या है? सृष्टि स्थिति लय कारण है। सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सृष्टि का पालन पोषण करने वाला और सृष्टि को अंततः अपने में समा लेने वाला, सृष्टि स्थिति लय कारण ईश्वर होने के कारण हम उसकी भक्ति करते हैं। दूसरी बात क्या? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपा करने वाला है, इसलिए हम उसकी भक्ति करते हैं। अगर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान न होता तो हम उसकी भक्ति करते क्या? हाँ, भक्ति किसकी करते? जो सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान की भक्ति करते हैं, शक्तिमान जो है उसकी भक्ति करते हैं। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो अत्यंत दयालु है, वो कृपा का सागर है, इसलिए हम उसकी भक्ति करते हैं। यहां तक का जो मामला है भक्ति के विषय में, यहां तक जो बातें हमने की वो सर्वसाधारण सबको ज्ञात है। अब आजकल क्या हो गया है, भक्ति के स्वरूप के विषय में बहुत से कथाकार, बहुत से प्रवचनकार वो भक्ति के प्रकार बताने लग गए, भक्ति के प्रकार बताने लग गए। भक्ति वास्तव में उसमें कोई प्रकार नहीं है, भक्ति निर्विकल्प स्वरूप है, उसमें प्रकार नहीं है। किंतु अब आजकल जो है बहुत से कथाकार, कथावाचक वगैरह, प्रवचन करने वाले लोग बहुत से पैदा हो गए हैं जिनका शास्त्रों का अध्ययन जो है वो
उसके बारे में शंका है ऐसे लोग, वो भक्ति के प्रकार बताने लगे हैं। उनका कहना यह है कि भक्ति के दो प्रकार हैं। भक्ति के प्रकार कितने? एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। दो प्रकार की भक्ति उन्होंने बताई। एक क्या? सकाम भक्ति। दूसरी कौन सी? निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति यानी क्या? सकाम भक्ति शब्द का अर्थ है कामना सहित भक्ति करना, है ना? कामना मन में रख के भक्ति करना, इसका नाम क्या है? सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति यानी क्या? निष्काम भक्ति यानी किसी कामना को मन में रखते हुए केवल प्रेम करना, इसका नाम निष्काम भक्ति। अब दो प्रकार उन्होंने बताए। अब ईश्वर चूंकि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, तो मान लीजिए आपने उसके सामने कोई प्रार्थना की, कोई आपने अर्जी पेश की, तो ऐसा ईश्वर बोल सकता है क्या, मैं तेरी ये कामना पूरी नहीं कर सकता? ऐसा बोल सकता है क्या? हाँ, नहीं बोल सकता। आपकी जो भी कामना हो वो कामना उसको पूर्ण करनी पड़ेगी। अगर उसने नहीं की तो क्या हो जाएगा? उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, उसकी सर्वनियंता पर, सर्वनियंत्रत्व उसका जो है उसके ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जो भी कामना हो, जैसी भी कामना हो, वो कामना पूर्ण करना उस ईश्वर का कर्तव्य बन जाता है। अब हमारे लोग है ना कामना करते हैं, हाँ कामना करते हैं, क्या कामना करते हैं, क्या कामना, कुछ भी कामना करते हैं। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे स्त्री दे दो, मुझे पुत्र दे दो, नौकरी दे दो, हाँ, और मेरा रोग ठीक कर दो, हाँ, अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं। और वो कामनाएं सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम तक, सुबह से लेके शाम तक हम कामनाएं करते रहते हैं। और उस बेचारे ईश्वर को हमारी कामनाएं पूरी करने में उसका सारा 24 घंटे का समय उसी में निकल जाता। जैसे होटल का बेरा होता है, कि होटल का बेरा, होटल में वो चाय वगैरह लाके देने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वेटर। हाँ, ए चाय लेके आओ। वो दूसरा कहता है पानी लेके आओ, तीसरा कहता है इडली लेके आओ, चौथा कहता है सांभार लेके आओ, पांचवा कहता है चटनी लेके आओ, कोई कहता है गरम लेके आओ, ठंडा लेके आओ, आइसक्रीम लेके आओ। अरे वो बेचारा दौड़ता रहता। उस ईश्वर की हालत ऐसी कर दी हमने, ईश्वर की हालत हमने ऐसी कर दी। अब देखिए कि मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, आपके घर में एक नौकर है, आपके घर में एक नौकर है। उस नौकर से आपने कहा कि अब उसका कुछ नाम, नौकर का नाम क्या, क्या नाम है? कोई भी प्रकाश। ए प्रकाश, वहां मेरा मोबाइल रखा है, लेके आ। अब वो प्रकाश बेचारा मोबाइल लाने के लिए गया, वहां तक गया, ए ठहर, वहां जरा अंदर जाके गिलास पानी लेके आ। वो पानी लाने दौड़ा, ए ठहर, वहां पेपर रखा है, लेके आ। ठीक, वो पेपर लाने गया, एक क्या, एक काम कर, एक काम कर, वहां अंदर जाके लाइट बंद करके आ। वो लाइट बंद कर, ठहर, वो गेट बंद करके आ। अगर इस तरह से हम काम बताने लगेंगे, वो कोई काम करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने के पहले दूसरी कामना लगा देते। अरे उस बेचारे को थोड़ा टाइम दो। आपने क्या मांगा उससे? आपने कहा मुझे एक स्त्री चाहिए, है ना? आपने कहा कि मुझे एक स्त्री चाहिए, मेरी शादी करवा दो। अब वो ईश्वर बेचारा आपकी शादी करवाने के लिए कन्या ढूंढ रहा है, अब उसको थोड़ा सा टाइम दो। अब बीच में दूसरा नौकरी दो। अब वो क्या करता है ईश्वर? अरे इसने नौकरी मांगी, कन्या ढूंढने का काम छोड़ देता। वो कन्या ढूंढने का काम छोड़ देता है। और भक्त ईश्वर क्या है,
अहम भक्त पराधीनः अस्वतंत्र द्विज। भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त जैसी आज्ञा करता है मैं उसको पूरा करता हूं। अब भक्त ने क्या आज्ञा की कि मेरे लिए एक लड़की ढूंढो, मेरी शादी कराओ, है ना, प्रभु से प्रार्थना की। अब प्रभु बेचारा ढूंढ रहा है, कुंडली जमा रहा है, पत्रिका जमा रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उसके दर्शन के लिए जो आती हैं लड़कियां उनमें से देख रहा है, ये लड़की ठीक है क्या, ये लड़की ठीक है क्या। अब उसको टाइम ही नहीं दे रहे, बीच में आ गए, फिर दूसरे दिन आ गए, प्रभु मेरे को नौकरी दिला दो। अब भगवान ने कहा ठीक है जान दो, अब उसको लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, क्लोज करो फाइल, अब इसको नौकरी ढूंढो। अब ये दर्शन के लिए जो सेठ आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, साहूकार आते हैं, वो ऑफिसर आते हैं, ऑफिस किससे इसका काम कराऊं, प्रभु देख रहे हैं कहाँ इसकी नौकरी फिट करूं, क्या करूं। तब बीच में आ गया फिर से, मुझे को पैसे दिला दो। अरे इसलिए कामनाएं पूरी नहीं होती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगाते। तो सकाम भक्ति में हम क्या क्या मांगते हैं, धान्यम धनम बहु पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयुः, कितनी चीजें मांग ली। वो कहते हैं ना, एक अंधा था, उस अंधे के सामने भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे एक वर मांग, एक ही वर। बोला ठीक है, बोले क्या मांगता हूं, दोगे? भगवान ने कहा दूंगा, मैं अपने पोते को सोने के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। क्या हुआ मतलब, एक तो अंधा, गरीब, भिखारी, ठीक, अब पोता होने के लिए क्या चाहिए, पोता होने के लिए पहले विवाह, विवाह के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता। अच्छा, वो पोता जो है सोने के सिंहासन के ऊपर बैठे, सोने के सिंहासन पर कैसे बैठेगा, अत्यंत सामर्थ्यवान, अत्यंत धनवान चक्रवर्ती सम्राट होगा तो बैठेगा। अच्छा, वो सब हुआ, वो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ मैं उसको देखूं तो इसकी आंखें भी आ जाए। तो मांगना है ना, तो इस चतुराई से मांगो, बार बार जाके, रोज जाके, जैसे इडली लाओ, सांभर लाओ, चटनी लाओ, वो लाओ, ये लाओ, ऐसे क्या मांगना, मांगना है तो चतुराई से मांगो। हमको मांगना नहीं आता, हमको मांगना नहीं आता। तो ये सकाम भक्ति है। अब देखिए, बड़ा प्रॉब्लम है, प्रभु का प्रॉब्लम आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, है ना, अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाला कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाला है, और लोकसभा का इलेक्शन कब है, अगले साल 19 में है। तो ये पॉलिटिशियन लोग आते हैं प्रभु के पास, हाँ आते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रभु मुझे जिता दे, उसको हरा, मुझे जिता दे और उसको हरा दे। दूसरे दिन वो आता है, वो आके कहता है मुझे जिता, इसको हरा, अब क्या करें। अब वो प्रभु के सामने बड़ी समस्या, करें क्या, किसको जिताएं, ये भी भक्त वो भी भक्त, है ना। तो ये सकाम भक्ति की जो कल्पना है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, हमारे समझने में कुछ भूल हो रही है, हमारी समझ में थोड़ी भूल हो रही है। वास्तव में शास्त्र में सकाम भक्ति ऐसा शब्द ही नहीं, किसी भी शास्त्र में सकाम भक्ति का वर्णन कहीं नहीं है। तो क्या है शास्त्र में, क्या है, सकाम कर्म पूर्वक भक्ति ऐसा शब्द है। क्या है, सकाम कर्म पूर्वक भक्ति। कर्म जो है वो सकाम हो सकता है, भक्ति सकाम नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद महर्षि कहते हैं सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है, परम प्रेम रूपा है, परम प्रेम रूपा। और परम प्रेम में कामना आती है क्या, अगर कामना आ गई तो फिर वो परम प्रेम नहीं रहा, जो परम प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं है। समझ में आ रही बात, क्या नींद आ रही है आपको, बात समझ में आ रही, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा। परम प्रेम यानी क्या,
जिस प्रेम में कहीं कामना का लेश भी नहीं है, शर्त नहीं है जिसके अंदर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, इसको प्रेम कहते हैं क्या? हा? माता अपने पुत्र का लालन पालन करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको जन्म देती है, उसको जो है नहलाने से धुलाने से उसको छोटे से बड़ा करती है, सारा खारे काम करती है, कोई अपेक्षा रख के करती है क्या? कोई अपेक्षा रखती है क्या माता? नहीं। क्यों करती है? प्रेम, क्योंकि उसका उस शिशु के ऊपर अपने पुत्र के ऊपर प्रेम है, इसलिए वो करती है। तो भक्ति में अगर शर्त आ गई, तुम मेरा ये काम करोगे, तुम मुझको इलेक्शन में जिताओगे तो मैं अमुक करूंगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं करूंगा, तो भक्ति हुई क्या? भक्ति नहीं, प्रेम नहीं है वहां। उसको कहते हैं सौदा। उसको क्या कहते हैं? सौदा। सौदा यानी इसाथ दो इसाथ लो। तो शास्त्र में कहीं भी सकाम भक्ति ऐसा शब्द नहीं है। शास्त्र में जो शब्द है वो है सकाम कर्म पूर्वक भक्ति, और वहां पर मध्यम पद लोप समास है। वो हमारे यहां संस्कृत के विद्यार्थी बैठे, समास आप लोग पढ़ते होंगे, मध्यम पद लोप समास होता है। एक बीच में का पद जो है वो हटा लिया जाता है और इन दो पदों को जोड़ दिया जाता है। सकाम कर्म पूर्वक, कर्म पूर्वक शब्द को हटा दिया, सकाम भक्ति, मध्यम परलोप समास है वो। तो सकाम कर्म, अब सकाम कर्म जो है वो शास्त्र में भेद है। कामना के साथ हम कर्म कर सकते हैं, और कामना के साथ जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल प्रदान करने वाला ईश्वर है। कामना के साथ जो कर्म हमने किया उसका फल ईश्वर देता है, इसलिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। और जब हम सकाम कर्म पूर्वक भक्ति करते हैं तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि इस कर्म को, इस फल को प्राप्त करने के लिए मैंने ये कर्म किया है। अब आजकल परीक्षा का मौसम, आजकल क्या मौसम है? परीक्षा का मौसम। तो परीक्षा के मौसम में विद्यार्थी लोग साल भर अभ्यास नहीं करते, साल भर अभ्यास नहीं करते, और कल सुबह परीक्षा है, आज शाम को प्रदक्षिणा, प्रभु मुझे पास कर दे, मुझे पास कर दे, मुझे पास कर दे, मुझे पास कर दे। कर्म ही नहीं किया, फल कैसे मिलेगा? कर्म ही नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा? तो सकाम कर्म पूर्वक, उसके बाद भक्ति। भक्ति किस लिए? उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए भक्ति। सकाम जो कर्म किया, एक कामना को, एक उद्देश्य को, एक ध्येय को मन में रखकर एक सकाम कर्म किया, उस सकाम कर्म का फलदाता ईश्वर है, और इसलिए उस ईश्वर की प्रार्थना। अब यहां पर भी एक और पेच है, ईश्वर कर्म फलदाता है, तो कर्म का जो फल होगा वो कर्म के सिद्धांत के अनुरूप होगा। जैसा जितना कर्म होगा उतना ही उसका फल होगा। कर्म जैसा होगा वैसा उसका फल होगा, बीज जैसा होगा वैसा उसका फल होगा। तो जब फल की प्राप्ति होती है तब जो है हम ईश्वर के ऊपर चिड़चिड़ाने लगते, कुड़कुड़ाने लगते, मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी भक्ति की, इतनी प्रदक्षिणाएं, इतने पारायण, इतना जप, इतना होम, नाग बलि, नारायण बलि, अमुक बलि, तमुक बलि, ये सारा सब किया और मुझको फल प्राप्त नहीं हुआ। अरे तूने कर्म किया, मगर उस कर्म जिस तरह से किया, उस कर्म का जैसा जो फल होगा उतना ही तो मिलेगा ना, उससे ज्यादा या उससे कम कैसे मिलेगा? जितना आपने पढ़ाई की उतने ही नंबर मिलेंगे। आप मास्टर को तेल लगा के मालिश करो, आप जाओ आपके टीचर को तेल लगा के मालिश करो, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करने से नंबर थोड़ी बढ़ेंगे, जितना लिखा होगा उतने ही नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात? तो इस बात का जिसको अज्ञान होता है उसको बड़ा क्लेश होता है, उसको बड़ा दुख होता है। जब उसकी कामना पूर्ण नहीं होती तब जो है उसके अंदर, वो अंग्रेजी में एक शब्द है फ्रस्ट्रेशन, उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, है ना, मन अशांत हो जाता है उसका, और वो ईश्वर के
अस्तित्व पर भी संदेह करने लग जाता है ईश्वर के। अरे इतना हमने किया, अगर ईश्वर होता तो हमारा काम हो जाता, ईश्वर होता तो हमारा काम बन जाता, हमारा काम बना ही नहीं, अब ईश्वर है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा है कि जैसा कर्म हमने किया वैसा फल प्राप्त होता है, सकाम कर्म, और उसके फल का दाता कौन? तो ईश्वर। ईश्वर भगवान गीता में स्वयं कहते हैं क्या, अनिष्टमिष्टमिश्रंच त्रिविध कर्मण फलम। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, तीन प्रकार के फल। कर्म के फल कितने प्रकार के? सबसे पहला कौन सा? अनिष्टम। अनिष्टम यानी क्या? अनिष्टम यानी क्या? जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको इष्ट नहीं है, ऐसा फल अनिष्टम। दूसरा कौन सा? इष्टम। इष्टम। तीसरा कौन सा? मिश्रम। मिश्र यानी मिक्स। भगवान के पास गया, प्रभु के पास, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। भगवान ने कहा तथास्तु, शादी हो गई, हो गया ना, खुशी हुई कि नहीं आपको? खुशी होगी क्या? नहीं है खुशी हुई। वो बीबी झगड़ानू निकली, रोज उठ के झगड़ा करने वाली, क्या हुआ? शादी हुई इसकी खुशी, वो रोज झगड़ा करती इसका दुख। मिश्रम, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, त्रिविध कर्मण फलम। कर्म का फल जो है वो तीन प्रकार से होता है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम। कर्म के फल इस प्रकार से मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रभु महाराज की बिरुदावली में जो पहला पद है कौन सा? भक्त कार्य कल्प द्रुम। वहां पर अगर नरसिंह तात्या महाराज चाहते तो उसको भक्त काम कल्पद्रुम लिख सकते थे। भक्त काम कल्पद्रुम। भक्त काम कल्पद्रुम यानी क्या? भक्त काम कल्पद्रुम यानी क्या? हाँ, भक्त की कामना को पूर्ण करने वाले। भक्त कार्य कल्पद्रुम यानी क्या? भक्त का कार्य, कार्य यानी क्या? कर्म। और भक्त का कार्य शब्द का एक कर्तव्य है, कार्य शब्द का अर्थ क्या? कर्तव्य। किसका कर्तव्य? भक्त का कर्तव्य। भक्त का जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करने वाले कल्पद्रुम है प्रभु, भक्त की कामना को नहीं। समझ में आई बात? भक्त काम कल्पद्रुम नहीं है, भक्त कार्य कल्पद्रुम है। समझ में आई? तो इसलिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है, ये ज्ञान जो है सकाम भक्ति के बारे में ये समझना आवश्यक है। तो हम सकाम भक्ति की निंदा कर रहे हैं क्या? यहां पर हम निंदा कर रहे हैं क्या? नहीं। सकाम भक्ति कैसी है? जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा होता, छोटा बच्चा होता है, क्या वो रोता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, ना होगा ला, ना होगा ला, ना साली होगा ला, मान बोलता है क्या नहीं? तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को जो प्रिय पदार्थ है, हा? अब मान लीजिए उसको क्या, उसको जो है मान लीजिए क्या समोसा पसंद है, उसको कुछ भी जलेबी पसंद है, तो टिफिन के डब्बे के अंदर वो समोसा, गुलाब जामुन, धपाटी, थाली पीट, अवलक्की, मसरन्ना, चित्रान्ना, पुली वगैरह, लिस्ट लंबी है, वो सब डाल के एक डिब्बे के अंदर डाल के वो माँ बच्चे को देती है, कहती है तू जा ये डब्बा लेके स्कूल जा, और स्कूल में जब मध्यांतर होगा, जब लंच टाइम होगा, उस समय तू ये खाना। तो बच्चा क्या करता है, खुशी खुशी वो डब्बा लेके जाता है, जाता है कि नहीं? किस आशा से? कि मध्यांतर में मुझको अपना प्रिय जो व्यंजन है वो खाने को मिलेगा, गुलाब जामुन खाने को मिलेगा, समोसा खाने को मिलेगा, धपाटी खाने को मिलेगी, थाली पीट खाने को मिलेगा, इस आशा से वो डब्बा लेके जाता है। कितने दिन तक? कितने दिन तक ये चलेगा? जब तक उसको स्कूल जाने की आदत न लग जाए, जब तक उसको स्कूल जाने की आदत न लग जाए तब तक डब्बे का सिस्टम ठीक है। ठीक, एक बार उसको आदत लग गई, एक बार उस बच्चे को स्कूल जाने की आदत लग गई, उसके बाद फिर डब्बे की जरूरत होती है क्या? तो सकाम भक्ति जो है वो टिफिन का डब्बा है, वो टिफिन का डिब्बा है,
वो थोड़े दिन के लिए ठीक है, शुरुआत में ठीक है, बस जिंदगी भर हम टिफिन का डब्बा ही लेके जाएंगे, प्रभु मेरा वो कर दे, प्रभु मेरा ये कर दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे, इस तरह से उसको अगर तंग करेंगे तो क्या बोलेगा वो, होक नहीं ये नुकोड़ा होक। आपका बच्चा है, आपका बच्चा सुबह से शाम तक बाबा नानक पेंसिल इसकोड़ो, बाबा नाना चश्मा इसकोड़ो, बाबा नाना पुंगी इसकोड़ो, बाबा नाना पार्टी इसकोड़ो, बाबा नाना हंड इसकोड़ो, बाबा नाना चॉकलेट इसकोड़ो, बाबा नाना गाड़ू इसकोड़ो, बाबा नाना इसकोड़ो, क्या करेंगे है यार्ड कपाड़ है, उसके मुंह में दो तमाशे मारे, बहुत चुप बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं, ये अनुभव आपको आ रहा है, प्रभु ने कभी किया आपको चुप, ज्यादा नहीं मांगना, ऐसा किया अभी नहीं किया, करेंगे, ज्यादा मांगोगे तो करेंगे, ज्यादा अगर मांगने लग जाओगे तो करेंगे। अब ये प्रॉब्लम है सकाम भक्ति में, ये प्रॉब्लम है कि वो ईश्वर बेचारा कहां तक, कब तक, किसकी किसकी क्या क्या इच्छा, वो कोई बेरा होटल का नौकर है क्या, कोई ज्योतिषी है क्या, कोई डॉक्टर है क्या, कोई वकील है क्या, है प्रभु जो है ज्योतिषी डॉक्टर वकील है, होटल का बेरा, वो शादी जमाने वाला, मैट्रिमोनियल वाला, ब्यूरो वाला, वो है क्या, क्या समझ रहे हैं आप? तो कभी ना कभी हमको इसमें, और एक बात है, ये सकाम भक्ति में बड़ा डेंजर है, वो प्रभु अगर हमारी मांगों से अगर नाराज होता नहीं है, मैं हो गया मान लीजिए, तो उसमें फेलियर के चांसेस है। मैंने कहा ना बच्चे, आज आपने एक पेंसिल मांगी बाप से, लाके दी, कल पेन मांगा लाके दिया, परसों नोटबुक मांगी लाके दी, परसों आइसक्रीम मांगा लाके दिया, बार बार मांग ले लगेंगे तो क्या बोलेगा माँ बाप जो है, तक कुछ नहीं देता, जा बहुत दे दिया तेरे, है ना, तो उसमें फेलियर के चांसेस हैं, सकाम भक्ति के अंदर फेलियर के चांसेस हैं, असफल होने के चांसेस हैं, वो भक्ति जो है कभी भी असफल हो सकती है, क्यों, तो भगवान स्वयं कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम, तीनों प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, सकाम भक्ति में गारंटी नहीं है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही, क्योंकि उसके पीछे कर्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, कई बातें उसके अंदर जुड़ी हुई हैं, प्रभु को पूरा कानून पूरा देखना पड़ेगा, आपने एप्लीकेशन दी झट से मंजूर थोड़ी करेगा, सारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, इसके काबिल है क्या नहीं, इसको दूंगा तो योग्य उपयोग करेगा क्या नहीं, ये सारी बातें देखना पड़ेगा, वो देख के प्रभु आपकी एप्लीकेशन को मंजूर करता है, वो सारा रिकॉर्ड पूरी फाइल खंगालता, कब से, अनेक जन्मों की फाइल जो है ना वो मंगाई जाती है और वो फिर खंगाली जाती है, और उसके बाद अगर प्रभु को लगा कि ठीक है योग्य है तो पूरा का पूरा आप डीसी के पास जाते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं, हाँ, किसी चीज़ के लिए सरकार के पास गए, ग्रांट के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन दी, आपने 1,00,000 रुपये मांगे, 1,00,000 रुपये देती क्या सरकार, नहीं देती, 25,000 मंजूर कर दिए, क्यों, इससे पहले तुझे एक बार 10 दिए थे, तेरे बाप ने एक 15 लिए थे, वो डुबा लिए, वो सारा हिसाब देखा जाता है, वो सब देख के फिर उसके बाद मंजूर, कहते हैं ना एक बार एक आदमी के घर में शादी थी तो उस जमाने में शक्कर का राशन था, शक्कर नहीं मिलती थी बाजार में, तो कलेक्टर के पास जाना पड़ता था, उसने एप्लीकेशन दी कि 1 क्विंटल शक्कर मंजूर की जाए, 1 क्विंटल शक्कर मंजूर की जाए, तो कलेक्टर ने 10 किलो मंजूर कर दी, 10 किलो मंजूर कर दी, बोला ठीक है, वापिस आया, कुछ दिनों बाद उसको एक पिस्तौल की ज़रूरत थी, आत्मरक्षा के लिए एक पिस्तौल की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया मालूम आपको, कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखा मुझे एक तोप मंजूर की जाए, तोप, कलेक्टर परेशान, पुलिस वाले घर पे आ गए, बोले तोप मांग रहा आदमी, क्या बात है क्या बात, उसको पकड़ के ले गए, कलेक्टर ने पूछा तुझे तोप क्यों चाहिए, बोला हुजूर मुझे तोप नहीं चाहिए, मुझे तो पिस्तौल की जरूरत है, मैं आपके पास एप्लीकेशन आती है तो आप उसको 90% कम करते हैं, तो तोप का 90% कम क्या, पिस्तौल। मुझे तो वो चाहिए, तो जब एप्लीकेशन जाती है प्रभु महाराज के पास तो प्रभु महाराज सारी बातों का विचार करते हैं, योग्य है क्या नहीं, इसको देना है या नहीं, इसको देंगे तो ये ठीक रहेगा क्या नहीं, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान है, साथ में
सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसने पैसा मांगा, ये पैसा लेके क्या करेगा इस बात का विचार प्रभु महाराज करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ है। ये पैसा लेगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, तो इसको पैसे देंगे क्या? रिजेक्ट, कैंसल, एप्लीकेशन रिजेक्ट। और ये जो है प्रभु के नाम से फिर क्या, आज क्या है, होली, होली, प्रभु के नाम से शंखनाद करता ना होगी दा माणी ना होगी दा ईट प्रदक्षिणा अर्ट जपा मार अर्ट मार ईट मार ईट मार ऐन 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 मन कलस शंखनाद होली चारों तरफ। तो इसलिए सकाम भक्ति में बड़ा डेंजर है, रिस्क है। पूरी होगी तो होगी बहुत अच्छा, सोने में सुहागा, नहीं हुई तो क्या करें, नहीं हुई तो क्या करें। अब देखिए यहीं पर हम आप लोग बैठे, चैतन्य राज जी प्रभु चरित्र सुना रहे थे, ठीक है, बीच में करंट चली गई, लाइट चली गई, क्या करें, तो क्या करें, लाइट चली गई क्या करें, हाँ बोलो बोलो, हाँ तो हाँ, तो जो चीज फेल होती है, जिसके बारे में हमको ज्ञान है कि ये वस्तु फेल हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, पहले से एक UPS, एक जनरेटर ये लगा के रखते हैं, लगा के रखते हैं कि नहीं। तो सकाम भक्ति का जो ये है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है, वो अगर फेल हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ हाँ हा, बोलो बोलो। तो निष्काम भक्ति का जनरेटर वहां रखना पड़ेगा। सकाम भक्ति अगर फेल हो गई तो क्या करेंगे, तो इसलिए निष्काम भक्ति का वहां पर हमको जनरेटर रखना पड़ेगा। टिकट निकालते हैं हम लोग किसमें, रेलवे में टिकट निकालते हैं कि नहीं, वेटिंग लिस्ट आया तो क्या करते, क्या करते, अपनी गाड़ी अपना ड्राइवर वगैरह सब तैयार रखते हैं। कन्फर्म हुआ तो बहुत अच्छी बात, कन्फर्म अगर हुआ तो आराम से सो के जाएंगे, अगर नहीं कन्फर्म हुआ तो क्या करेंगे, कार में बैठ के जाएंगे, है ना, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट उसको कहते हैं। तो सकाम भक्ति जो है उसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत पीछे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रभु महाराज की आपसे दुश्मनी है या इसका काम नहीं करना, ऐसा नहीं, वो फाइल के अंदर रिकॉर्ड बराबर नहीं है, फाइल के अंदर रिकॉर्ड बराबर नहीं है, मंजूर करने लायक नहीं है, इसलिए लायक मंजूर नहीं होता। तो फिर जो है, फिर बात आती है निष्काम भक्ति की, निष्काम भक्ति की बात आती है। तो ये निष्काम भक्ति यानी क्या, निष्काम भक्ति यानी क्या, निष्काम भक्ति यानी किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार की कामना मन में न रखते हुए प्रभु से प्रेम करना। सद्गुरु माणिक्य प्रभु प्रीत्यर्थम, माणिक्य प्रभु प्रीत्यर्थम, उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं, ऐसा संकल्प, हाँ, वरना हमारा जो संकल्प होता है ना बहुत बड़ा होता, सर्वापत शांति पूर्वक दीर्घायु विपुल धन पुत्र पौत्रादि अविच्छिन्न संतति द्वारा, कितना लंबा, अविच्छिन्न संतति यानी पुत्र 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 अविच्छिन्न, रुके ही नहीं हो संतति, शत्रु पराजय और क्या, सदाभीष्ट सिद्ध्यर्थ, हमेशा हमेशा अभीष्ट की प्राप्ति होती रहे, लंबी लिस्ट लेके चले जाते। निष्काम में क्या है, माणिक्य प्रभु प्रीत्यर्थम, प्रभु की प्रीति के लिए, क्यों, क्योंकि मेरा प्रभु से प्रेम है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा। आपको एक बात बता रहा, घटना याद आ गई, वो है ना अकबर बादशाह के राज्य में आगरे के पास एक गांव में एक फकीर रहता था, उसका नाम था फरीद, फरीद नाम का फकीर रहता था, साधु किस्म का आदमी था, अक्सर अकबर के दरबार में उसका जाना आना होता था, अकबर भी उससे बहुत प्रेम करता था, धार्मिक जब कोई मसला होता था, चर्चा वगैरह होती थी, महल में आना जाना वगैरह सब था, अकबर से जान पहचान थी। तो एक बार वो फकीर के गांव में, गांव के लोगों ने मीटिंग की, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, तो स्कूल बनाया जाए,
अब स्कूल बनाया जाए, पैसे कहाँ से लाएंगे? तो सबने फरीदन दू बादशाह दू दोस्ती अरे, फरीदन दू बादशाह दू दोस्ती अरे, फरीद की बादशाह की दोस्ती है तो फरीद को अगर भेजेंगे तो बादशाह जो है मंजूर, मतलब फंड मंजूर कर देगा स्कूल बनाने के। सब लोगों ने जाके फरीद को तैयार किया, तू जा कल बादशाह के दरबार में जा और जाके जो है हमारे गांव के लिए एक स्कूल मंजूर करवा के ला। ठीक है, परोपकार का काम, गया हो। जिस समय वो गया उसको पूरा प्रवेश था क्योंकि बादशाह का अत्यंत निकट था, तो जहां बादशाह बैठे वहां तक कोई उसको रोक टोक नहीं थी, वो जा सकता था। गया, जाके उसने देखा बादशाह क्या कर रहे हैं, बादशाह नमाज पढ़ रहे, बादशाह नमाज पढ़ रहे, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ होती, हाथ उठा के दुआ होती। अब बादशाह दुआ कर रहा, या अल्लाह मुझको बरकत अता फरमा, मेरे खजाने को बरकत अता फरमा, मेरी फौज को ताकत अता फरमा, मुझे औलाद दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे फलाना दे, मुझे ढिमकाना दे। अब वो दुआ चल रही लंबी चौड़ी, इसने देखा और उल्टे पांव वापिस आ गया, वापिस आ गया। तो बादशाह को बाद में मालूम चला कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो फरीद आया था, बुलाया उसको, फिर से बुलाया, ए इधर आओ, मैं जब नमाज पढ़ रहा था तुम आए, और उसके बाद कुछ नहीं, रुके भी नहीं और कुछ बोले भी नहीं, ऐसे ही चले गए। बोले हुजूर काम हो गया, हुजूर काम हो गया। बोले क्या हुआ? नहीं, वो ऐसा था कि अब मेरे गांव के मदरसे के लिए, स्कूल के लिए फंड मांगने के लिए मैं आया था, मैंने देखा आप ही मांग रहे, तो मांगने वाले से क्या मांगना, इसलिए वापस। मांगने वाले से क्या मांगना है, तो किससे मांगे? मांगना है तो किससे मांगे, जो देने में समर्थ हो। ये खुद मांग रहा, मेरी ताकत बढ़ा, मेरा खजाना बढ़ा, मेरा वो बढ़ा, मेरे औलाद दे, फलाना दे, ढिमकाना दे, मेरे राज्य को बढ़ा, मेरी फौज को बढ़ा, मेरे हाथी बढ़ा, मेरे घोड़े बढ़ा, प्रार्थना कर रहा ईश्वर से, इससे क्या मांगना। तो निष्काम भक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम, बस। आजकल हम जैसे आप जैसे लोग बैंक में जाते हैं, लाख का 50,000 का लोन मांगते हैं तो बैंक वाला 17 बार हमको ऐसे देखता है, ऊपर से नीचे देखता है क्या नहीं है? और अरबों खरबों रुपए लेके जाने वाले ऑटोमेटिक चले जाते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से उनका प्रेम है। सीधी बात समझ में आई बात? क्या आपका प्रेम है क्या बैंक मैनेजर से, पंजाब नेशनल बैंक वाले से? नहीं है आपका प्रेम, नहीं है। आप गए, आपको वो ऊपर से नीचे तक देखेगा 17 बार, आपका आधार कार्ड लाओ, फलाना लाओ, पैन कार्ड लाओ, फोटो लाओ, वो लाओ, ये लाओ, 17 बार घूम, चप्पलें आपकी घिस जाएंगी, आपको 50,000 का लोन नहीं देगा वो। अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है पंजाब नेशनल बैंक का, चेयरमैन जो भी है, उससे अगर प्रेम हो गया है तो 11,000 करोड़ हाँ? देखते देखते गायब। तो सारी कायनात रब्बुल आलमीन, सारी कायनात का जो स्वामी है, उससे अगर हमारी दोस्ती हो गई, फिर मांगने की जरूरत है क्या? कुछ मांगने की जरूरत है क्या हाँ? कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो दोस्ती किससे करनी चाहिए? और वहां कुछ मांगना नहीं चाहिए, प्रेम हो गया तो खुद खोल लेता खजाना, ले जा ले जा ले जा, जितना चाहे उतना ले जा। तो निष्काम भक्ति का ये लाभ है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? निष्काम भक्ति से हमारा मन जो है ना वो मजबूत होता है, क्योंकि मनएव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो। हमको जो अपनी असफलता के ऊपर दुख होता है, हमको जो अपनी सफलता के ऊपर प्रसन्नता होती है, जगत में जो सुख प्राप्त होता है, जो दुख प्राप्त होता है, वो सारा का सारा क्या है? मन के कारण है, मन के कारण है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, मनएव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो। बंध और मोक्ष का कारण मन है। तो निष्काम भक्ति का लाभ यह है
कि हमारा मन जो है वो सबल हो जाता है। मन जितना सबल हुआ, मन जितना पावरफुल हुआ, सबल हुआ, उतना ही वो बाहर से आने वाले, अंदर से उठने वाले आघातों को सह सकता है। और मन जितना निर्बल हुआ, उतना जो है बाहर से होने वाले, अंदर से होने वाले आघातों को वो सह नहीं पाता। तो बेसिकली आपकी जब कामना पूर्ण होती है तो क्या होता है बताइए? जब आपकी एक कामना पूर्ण हो गई क्या होता है? मन प्रसन्न होता है। मन जो है वो प्रसन्न होता है। आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्या होता है? मन दुखी हो जाता है। तो दुखी होने वाला कौन है? मन है। उस मन को अगर हमने पकड़ लिया, उसको अगर हमने सबल बनाया, उसको अगर हमने सशक्त बनाया, तो सुखी दुखी होगा क्या? कामना पूर्ण हो चाहे ना हो, कामना पूर्ण हो चाहे ना हो, मन को अगर हमने सबल बना लिया तो सारे आघातों को सह सकता है। इसीलिए तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है एक स्थान पर हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, बरे ढाले देवा निघाले दिवाले, बरे ढाले देवा निघाले दिवाले। तुकाराम महाराज का दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया। आपका अगर दिवाला निकल गया आप रोते हुए बैठोगे कि नहीं? रोगे कि नहीं? दिवाला निकल गया रोगे कि नहीं? मेरा दिवाला निकल गया हाय हाय करोगे? तुकाराम महाराज के बरे ढाले देवा निघाले दिवाले। तो उस दिवाला जो निकला उनका, उस दुख को सहने का उनका मन जो है इतना प्रबल हो गया था कि वो दुख उनको अनुभव ही नहीं हुआ। कहते बरे ढाले देवा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ भगवान का भजन करने के लिए समय मिला। तो इसलिए शोक जो होता है, दुख जो होता है, वो भी भगवत कृपा का अंश है, वो भी भगवत कृपा का अंश है। उससे क्या होता है, दुख से क्या होता है बताइए? मैंने इससे पहले आपको बताया दुख का लाभ क्या? हाँ, बहुत अच्छे। दुख से पापों का क्षय हो जाता है, पापों का क्षय हो जाता है। सकाम भक्ति में क्या है कि बहुत से नियम है, अमुक आसन होना चाहिए, अमुक मंत्र होना चाहिए, अमुक नैवेद्य होना चाहिए, अमुक देवता होनी चाहिए, इस तरह से अनेक 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 प्रकार के नियम हैं। और वो नियमों का अगर पालन नहीं हुआ, उन नियमों का अगर पालन नहीं हुआ तो प्रतिकूल फल की प्राप्ति भी हो सकती है। सकाम भक्ति में नियम बहुत है ना, अनेक प्रकार तंत्र शास्त्र में जारण मारण वशीकरण उच्चाटन फलाने फलाने अनेक प्रकार के कर्म है। अब उन कर्मों को प्राप्त करने के लिए, उन फलों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के नियम, लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, पीले रंग से फूल, फूल पीले रंग के फूल होने चाहिए, अमुक समिधा का उपयोग करना चाहिए, अमुक देवता का आवाहन करना चाहिए, अमुक मंत्र से होम करना चाहिए, अमुक प्रकार का नैवेद्य होना चाहिए, ये सारे नियम हैं। और उन नियमों का पालन अगर नहीं किया तो क्या होगा? उल्टा फल प्राप्त होता है। और निष्काम भक्ति में लाभ क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कुछ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी उसमें से एक या अथवा चारों, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और इसलिए निष्काम भक्ति में मन को सबल बनाने की प्रार्थना की गई। देखिए कि कर्म में जो है संध्या वंदन का कर्म है, संध्या वंदन के कर्म का लाभ क्या? संध्या वंदन का जो कर्म है उसका लाभ क्या? उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे पूजा में लाभ है, धान्यम धनम है, बहुपुत्र लाभम शरद संवत्सरम दीर्घमायु, संध्या वंदन का कोई फल है क्या? नहीं है। मम उपात दुरित क्षय द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्याम उपासिष्ये। संध्या वंदन का फल क्या? फल नया कुछ मिलने वाला नहीं है, पुराने पाप कटने वाले,
मम उपात दुरित क्षय द्वारा, दुरित क्षय द्वारा, दुरित जो है पाप जो है वो कटने वाले हैं, बस यही लाभ है। नया कुछ फल प्राप्त होगा क्या? नया कुछ नहीं होगा। और गायत्री में भी प्रार्थना क्या है? धियो यो न प्रचोदयात। अर्थ क्या? धियो यो न प्रचोदयात का अर्थ क्या? धिया, धिया ने क्या? बुद्धि, मन, अंतकरण, उसको जो है तुम उसका प्रचोदन करो, उसको सबल बनाओ, हमारी बुद्धि को हमारे मन को सबल बनाओ। हे सवित्र देव, हे सूर्य देव, आप श्रेष्ठ हैं, आप भर्ग हैं, आप उपास्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप क्या करें? धियो यो न प्रचोदयात, मेरे मन को इतना सबल बना दो कि चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, मेरी कामना पूर्ण हो चाहे न हो, दोनों अवस्थाओं में मैं प्रसन्न रह सकूं, दोनों अवस्थाओं में मैं प्रसन्न रह सकूं, मेरे मन को इतना सबल बनाओ, मेरी बुद्धि को इतना प्रबल बनाओ, ऐसी प्रार्थना है। और कहा गया है शास्त्रों में, बाकी का कुछ करो मत करो, बाकी का कुछ करो मत करो, गायत्री अवश्य करो। बाकी का जो है ना, बाकी की जो उपासना है वो करो मत करो, वो तुम्हारी मर्जी पर है। षोडशोपचार पूजा है, रुद्राभिषेक है, महान्यास, लघुन्यास, वो बिल्वार्चन, कुंकुमार्चन, फलाना ढिमकाना, याग, होम, करो मत करो, गायत्री अवश्यमेव करो, उसको मत छोड़ो। क्यों मत छोड़ो? क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना ही है क्या? धियो यो न प्रचोदयात, बुद्धि को इतना सबल बना दो कि जीवन में आने वाले सुख दुख जो भी हैं उनको सहन करने की शक्ति मुझको मिले। और इसीलिए भगवान जो है वो गीता में कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। मुझको प्रिय कौन है? कौन प्रिय है? संतुष्ट, जो संतुष्ट है, मैंने जितना दिया है, मैंने उसको जितना दिया है उसके अंदर जो संतुष्ट रहता है, संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट। यथात्मा, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय है, और जिसने अपना मन और बुद्धि मुझको समर्पित कर दी। अब आपकी कामना है, अब आपकी कामना है, वो कामना कब होगी आपके मन में? जब तक मन रहेगा, जब तक बुद्धि रहेगी, तब तक कामना होगी। मन और बुद्धि अगर काम करना छोड़ दें तो कामना उठेगी क्या? नींद में आप लोग सब सोते हैं क्या? नहीं, रात में हा? सब लोग रात में सोते हैं, कुछ लोग यहाँ हॉल में भी सोते हैं, नहीं कोई नहीं सो रहा, सोते हैं क्या? नहीं। अच्छा, जब सोते हैं तो मन बुद्धि काम करते हैं क्या? सोते समय किसी को ये एहसास होता है कि मैं सो रहा हूं? मी झोपलो है, ऐसा एहसास होता है क्या सोते समय? क्यों क्यों नहीं होता? मन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, मन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए मैं सो रहा हूं इस बात का ज्ञान नहीं। अगर मान लीजिए कोई आदमी ओढ़ के सो रहा और वो कहे मैं सो रहा हूं, तो क्या मतलब उसका? हा? हमारी अज्जी कहती थी, झोपले लाला जाग करण सोप है, झोपेच सोंग करणाऱ्याला जाग करता येत नाही, है ना? तो ओढ़ गया, चादर ओढ़ ली उसने, चादर ओढ़ के कह रहे मैं सो रहा हूं, इसका मतलब क्या? वो जा सो नहीं रहा। जो सो रहा है वो बोल सकता है क्या मैं सो रहा हूं? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मन बुद्धि काम नहीं कर। अच्छा ठीक, अब नींद में आपको कोई कामना होती है क्या? नींद में, नींद में कोई कामना होती है क्या? मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, मेरा विवाह हो जाए, मुझे पुत्र प्राप्त हो, मुझे नौकरी लग जाए, हाँ, मेरे खेत में गन्ना जो है उगे, मेरे खेत में अदरक उगे, मेरे खेत में हल्दी उगे, ये सारी कामनाएं होती क्या?
मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। नींद में होती क्या कामना? नींद में सुख होता है कि नहीं? सुख हाँ सुख होता है। मन बुद्धि काम नहीं करती, सुख होता है और क्या, वहां पर कामना नहीं होती। तो देखिए, जहां कामना नहीं होती वहां सुख होता है। जैसे ही जागे और जागने के बाद पहला काम क्या, मोबाइल देखना। देखा मोबाइल, और मोबाइल में मैसेज क्या आया, इलेक्ट्रिक का बिल भरो, LIC का प्रीमियम भरो, हाँ बैंक का हफ्ता भरो, घर का किराया भरो, किराने का बिल भरो। ये मैसेज जैसे ही देखे वहां से दुख शुरू। कब तक? रात को फिर सोने तक। सो गए फिर सुखी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन बुद्धि जहां लीन हो जाती है वहां कामना नहीं होती, जहां कामना नहीं होती वहां सुख होता है। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा आदमी मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः। भगवान कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होती, बाकी लोगों को परेशानी नहीं होती, ऐसा आदमी, जिसके कारण अन्य लोगों को परेशानी नहीं होती ऐसा आदमी। और दूसरी बात क्या, लोकान्नो द्विजते च यः, अन्य लोगों से जिसको खुद को परेशानी नहीं होती, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इनसे जो मुक्त है ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। हर्ष, हर्ष यानी क्या, हर्ष यानी खुशी, हर्ष। अमर्ष यानी क्या, अमर्ष, अमर्ष यानी जलन, उसको मिला उसको नहीं मिला, आउन मगा अमेरिका खोजा नम्मा इल्ले है ना गोटी अड़लतन, अमर्ष, अमर्ष यानी जलन, ईर्षा, भय मेरा ये काम होगा क्या नहीं, उद्वेग अशांति। हर्षामर्ष भय उद्वेग, इनसे जो मुक्त है सच में प्रिय वो मुझको प्रिय है। यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। भक्त के लक्षण बताते हुए 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यो न रश्यति, जो हर्षित नहीं होता, न द्वेष्टि, जो किसी का द्वेष नहीं करता, किसी का यानी क्या, अनुकूल परिस्थिति का भी नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति का भी नहीं, सुख का भी द्वेष नहीं, दुख का भी द्वेष नहीं, आरोग्य का द्वेष नहीं, बीमारी का भी द्वेष नहीं, मान का द्वेष नहीं, मान से जो हर्षित नहीं होता और अपमान से जो दुखी नहीं होता, द्वेष ही नहीं, अपमान से भी हमारा कोई द्वेष नहीं, न शोचती जो शोक नहीं करता, न कांक्षती जो कुछ नहीं मांगता, इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि दुख की जड़ इच्छा है, इच्छा की वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई इसलिए दुख है। आपके जितने दुख हैं उसकी जड़ आपकी इच्छा है। न शोचती न कांक्षती शुभा शुभ परित्यागी, ये जो छंद आए तू शुभ अशुभ जो छलो आगेला बड़े लागेला, हे बर झालं नहीं, हे बर झालं, शुभा शुभ परित्यागी, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ऐसा भाव जिसने निकाल लिया है भक्तिमान यह समे प्रियः, ऐसा जो भक्तिमान है वो मुझको प्रिय है। और एक बार भगवान के प्रिय हम बन गए, एक बार हम भगवान के प्रिय बन गए तो फिर किस बात की कमी है, बोलिए आप, किस बात की कमी है, किसी चीज की कमी रह सकती क्या, जो भगवान का प्रिय है उसको किसी चीज की कमी रह सकती क्या, उसको तो साक्षात परमात्मा प्राप्त हो गए बस। ब्रह्मविदा आप्नोति परम,
उस परमात्मा को जिसने जान लिया और उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ चाहने लायक वहां बचता ही नहीं है, और कुछ चाहने लायक वहां बचता ही नहीं है। तो इसलिए निष्काम भक्ति जो है वो एक ऐसा जनरेटर है, एक ऐसा यूपीएस है जिसके माध्यम से हम आने वाली प्राप्त जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमारे सुख के कारण हो हमारे दुख के कारण हो, और किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारा मन जो है वो अशांत नहीं होता। तो इसलिए तो इसका मतलब क्या, सकाम भक्ति छोड़ दें और केवल निष्काम भक्ति करें, ये मतलब है क्या? कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन काट दें और केवल जनरेटर चलाएं, चलेगा क्या? नहीं, वो भी चाहिए ये भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? हम केवल उसी पर भरोसा करते हैं। किस पर? सकाम भक्ति पर। हम केवल उसी पर भरोसा करते हैं। किसके ऊपर? सकाम भक्ति के ऊपर। और निष्काम भक्ति करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं करते। इसलिए आपके लाइट जो है वो बंद हो जाती है, जनरेटर ही नहीं, इसलिए लाइट बंद होते हैं, जनरेटर ही नहीं। तो इसलिए जनरेटर को चालू रखना आवश्यक है। और इसलिए अच्छा, और दूसरा क्या, धीरे धीरे करते हुए सकाम भक्ति को कम करना और निष्काम भक्ति को बढ़ाना। सकाम में जो हम समय व्यतीत करते हैं, सकाम में जितनी हम जितना परिश्रम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसको घटाते जाना और निष्काम को बढ़ाते जाना। क्योंकि निष्काम में क्या प्राप्त होता है? परमात्मा प्राप्त होता है। सकाम में क्या प्राप्त होता है? छोटी छोटी चीजें। प्रभु मुझे एक एप्पल का मोबाइल दिला दे, दिला दिया, पानी में गिरा, हो तो खत्म, तीन दिन बाद खत्म, खत्म हो गई बात। तो निष्काम में शाश्वत ऐसा जो तत्व है, परम आनंद जो है, परमात्मा जो है, आनंद रूप ऐसा जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति होती है। और उसकी प्राप्ति आपको सबको हो, प्रभु महाराज जो हैं निष्काम भक्ति की भक्ति, निष्काम भक्ति की प्रेरणा जो है आपके हृदय में जागृत करें। आपका सबका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद आज इस होली के अवसर पर होली की बधाई देते हुए आप सबको देते हुए इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।